Class 8 English Test Book Honeydew Chapter 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory Bipin Chaudhary ka memory ka lapse matlab kho jana nasht hona So Bipin Chaudhary ka memory kaise nasht hua hai ya uska bhulakat kaise bana hai So Before we read this lesson, you think, do you have a good memory? क्या आपके एक अच्छे memory है? Can you remember all things, each and every incidents in your life? आपका life का सारे incident आपको याद है बचपन से लेकर जब आप उसमें से class में जाता था कैसे जाता था कैसे पढ़ाई करता था क्या करता था ये सब आपको याद है और हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू क्या मेमोरी आपका मेमोरी के वजह से या राष्ट्र के वजह से आप कुछ मुसीबत में और ट्रबल में फंसा है फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन टाइट स्पॉट वास्तव में कई बार ऐसी एकदम भूल जाते हैं कोई भी चीज तो हमें परेशान कर लेते हैं यानी पुट यू इन स्पॉट और टाइट स्पॉट आपको परेशान कर लेते हैं बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी अगर आपके जीवन का कोई एक ऐसे पार्ट है काफी समय की जो बात है अगर पूरे का पूरा वैसे ही आप भूल जाते हैं तो वास्तव में आपको ये क्रेजी यानी पागल बनाएगा इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोस नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकॉलेक्ट हिज डे एट अ रंच इसी कहानी के अंदर जो बिपिन बाबू है वो राज्य में रहा था पर वो उसको रिकॉलेक्ट कर नहीं पा रहा था रिकॉर्ड नहीं कर सका था यानी वो याद नहीं कर सका था जो वो राज्य में रहा करके यानी राज्य में रहने के बावजूद भी वो लंबे समय का जो रहना उधर का वो पूरा भूल गया है तो ये क्या हो गया है उसको नियरली क्रेजी करीबन पागल बना लिया ही हैज नेवर बीन टू रांची ही इंसिस्ट वो जिद करके कह रहे हैं वो कभी रांची नहीं गया है यानी वो राज्य में गया तो भी भूल गया है दो देयर आर मेनी विटनेस टू दिस कॉन्ट्ररी उसका कहना है कभी राज्य गया नहीं पर उसका कॉन्ट्ररी उसका ऑपोजिट उसका विरुद्ध उसका राज्य जाने का उधर रहने का कई विटनेस है गवाही गवाह है दैट द सस्पेंस व्हाट इज सस्पेंस ऑल अबाउट ये सबका सस्पेंस क्या है लेट्स रीड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी यू टेक योर टेस्ट बुक पेज 59 read with me listen me and look in your book after it every Monday on his way back from work Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in Newmarket to buy books every Monday pratyek Monday ko on his way back from work जो काम से लौटने पर वापस आने पर विपिन चौधरी है कालीचरण का जो दुकान है न्यू मार्केट उधर रुकते हैं टू बाय बुक्स किताब खरीदने के लिए क्राइम स्टोरीज गॉस स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ऐसे किताब वो पसंद करते थे रीड करने के लिए ऐसे खरीदते थे क्राइम स्टोरीज गॉस्ट बहुत उनकी कहानियां एंड थ्रिलर्स एडवेंचरस स्टोरीज ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट ए टाइम ही हैड टू मतलब कोई भी काम करना पड़ता था ही हैड टू बाय उसको खरीदना पड़ता था एट लीस्ट 5 एट ए टाइम कम से कम 5 किताब एक साथ उसको खरीदना पड़ता था टू लास्ट हिम थ्रू द वीक पूरा सप्ताह के लिए यानी पूरा सप्ताह पढ़ने के लिए कम से कम
पांच किताब उसको खरीदना पड़ता था. He had to buy, खरीदना पड़ता था. He lived alone, वो अकेले रहता था. Was not good mixer, had few friends. He was not a good mixer, वो अच्छे मिक्सर नहीं था. मिक्स करना यानी मिंगल करना, लोगों के साथ घुल मिलना. It was not possible for him easily mix with people, mingle with people. लोगों के बीच में घुल मिल कर रहना, it was not possible for him. So he was not good mixer, अच्छे मिक्सर नहीं था. Had few friends, that's the reason why he had few friends. Okay, you learned few, ये few, the few. इसमें इधर लिखा है had few friends. Few friends का मतलब है ना मात्र यानी ना के बराबर. उसका फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स ही नहीं था, ये मालूम. So some other class we learn few, a few, the few, and also little, a little, the little. Okay, so we learn at the end of this lesson, इसी lesson का last में इस class से एक portion आपको सिखाएंगे. And didn't like spending time in idle chat. उसके अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, साथ साथ ही डिड नॉट लाइक स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम इन आइडल टॉकिंग. फालतू बातों में बात करके टाइम खराब करना भी पसंद नहीं करता था. टुडे एट काली चरण्स बिपिन बाबू हार्ट फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. आज कालीचरण का दुकान में था नुमागट में, उसका इससे फील हुआ है. फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, बिल्कुल नजदीक से, क्लोज क्वार्टर बिल्कुल नजदीक से, यानी अनकंफर्टेबल रहेगा पास रहने पर. इतना पास रहने पर हमें क्या होता है, अनकंफर्ट फील होता है. इसी तरह का बिल्कुल नजदीक से Somebody was observing, watching. कोई उसको वॉच कर रहे, ऑब्जर्व कर रहे, इसे उसको फील हुआ है. He turned around. इसलिए वो एकदम मुड़ के देखा. Found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो वो मुड़ के देखा, तब देखा एक आदमी उधर round-faced, oval shape का चेहरा वाले एक आदमी, meek-looking, meek means शांत, शांत. उसका देखना भी शांत नेचर के व्यक्ति है. हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, वो उसको देखकर मुस्कुराया. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. रिकॉग्नाइज पहचानना, यू रिकॉग्नाइज मी, आप मुझे पहचाना. डोंट सपोज, मैं नहीं सोच रहा हूँ तो आपने मुझे पहचाना है. हैव वी मेट बिफोर, आस्ट बिपिन बाबू. बिपिन बाबू पूछे हाउ वी मेट बिफोर, क्या हम कभी से पहले मिला है. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, यह सुनकर मैन काफी सरप्राइज होकर अचंभित होकर. वी मेट अवर डे फॉर ए होल वीक. यू आर आस्किंग हाउ वी मेट बिफोर, क्या हम कभी इससे पहले मिला करके पूछ रहे हैं. बट We met every day, हर रोज हम मिले थे. For a whole week, पूरा एक सप्ताह हर रोज मिलते थे. I arranged for a car to take you to Hoodroo Falls. Hoodroo Falls main, Falls means waterfall. Hoodroo waterfall जाने के लिए I arranged a car for you. आपको ये कार का व्यवस्था भी मैंने किया था. That was in 1958 में. And in Ranchi, my name is Perumal Gore. Ranchi, वो अपना का नाम बता रहे हैं, मेरा नाम है Perumal Gore. तो ये सुनकर विपिन बाबू कहते Ranchi, क्या Ranchi में. Now विपिन बाबू realized that it was not, but his man, this man who was making a mistake. Bin Babu had
नेवर बी टू मच। तब विवेक बाबू को ये एहसास हुआ, रियलाइज किया है, उसने इस चीज को रियलाइज किया है दैट इट वॉज नॉट ही, वो स्वयं नहीं, बट ही दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक, ये गलती करने वाला, यानी उसको से परिचित करके बताने वाला विपिन बाबू नहीं, पर ये आदमी है, आदमी को एक गलतफहमी है कि वो विपिन बाबू को पहचानते हैं। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू इसे बोलने का कारण क्या है, विपिन बाबू कभी रांची नहीं गया था, तो ये रांची में उसे मिला करके बोलते हैं, उसका मतलब ये मिस्टेक करते हैं, कौन है ये आदमी कर रहे हैं, उसका नाम है पेरिमाल घोष। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, वो कई बार जाने के लिए तो तैयार हुआ था, बट नेवर मेट, पर वो कभी गया नहीं। ही स्माइल एंड सेड, ये मुस्कुराते हुए पेरिमाल घोष कहते हैं, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हैं मैं कौन हूँ, मुझे पहचानते हो। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम, ये विपिन चौधरी पूछ रहे हैं, विपिन बाबू पूछ रहे हैं, क्या मैं कौन हूँ तुम पहचानते हो। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज विद हिज टंग एंड सेड, ये सुनकर अपना आईब्रोज यानी शक के साथ आप अपना आईब्रोज को ऊंचा किया है, बिट हिज टंग, टंग को बाइट करके, एंड सेड, कहा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। हु डजंट नो विपिन चौधरी, कौन नहीं जानता है विपिन चौधरी को। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ्स एंड सेड, ये सुनकर विपिन बाबू बुक शेल्फ की ओर मुड़ गया है और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो। वन ऑफन डस, आई हैव नेवर बीन टू रांची, वन ऑफन डस, ये व्यक्ति अक्सर करते हैं गलती, तुम ये गलती करते, यानी तुम मुझे पहचानते करके कह रहे हैं, आई हैव नेवर बीन टू रांची, तुम मुझे राज्य में मिलाए पर मैं कभी राज्य गया नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, ये सुनकर आदमी बहुत जोर जोर से हंसा, लाफ्ड अलाउड, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, अरे मिस्टर चौधरी आप क्या कर रहे हैं, यू हैड ए फॉल इन वुड्रो एंड कट योर राइट नी, तुम वो वुड्रो फॉल में गया था तब उधर तुम गिरा था और तुम्हारे राइट नी में ये कट भी है। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आयोडीन तुम्हारे लिए लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेदरहार्ट, अभी फोटो वॉल में देख जाने के लिए तुम्हें कार के व्यवस्था मैंने किया था, और आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेदरहार्ट, नेदरहार्ट जाने के लिए भी गाड़ी का व्यवस्था मैंने किया था, नेक्स्ट डे अगले दिन, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, फिर भी तुम वो गाड़ी की व्यवस्था किया है, बट यू कुड नॉट गो, आप जा नहीं सका बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, नी में तुम्हारे नी में जो पेन होने की वजह से तुम जा नहीं पाया। कैन यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ रिकॉल करने याद नहीं हो रहे हैं, रिकॉलेक्ट नहीं हो रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, रिमेंबर नहीं हो रहे हैं। कैन यू रिकॉल एनीथिंग, कैन यू रिमेंबर एनीथिंग, कैन यू recollect anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time. उसी वक्त और कोई भी रांची में था जिसको तुम जानता था। Mr. Dinesh Mukherjee. कौन? Mr. Dinesh Mukherjee. मुखर्जी नाम का वो व्यक्ति भी उसी वक्त जिसको तुम जानते हैं वो रांची में था। You stayed in a bungalow. तो ये बंगला में रहा था। You said you didn't like a hotel. तूने कहा तुम होटल्स पसंद नहीं करते हैं, सॉरी होटल फूड, तुम होटल का फूड पसंद नहीं करते हैं। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय ए बावर्ची, तुम ये प्रेफर किया था तुम्हारे फूड कोई
कुक्ड बाय ए बावर्ची, बावर्ची मीन्स ए शेफ, सी एच एफ शेफ, शेफ का मतलब कुक, खाना बनाने वाला। तो तुम होटल का खाना पसंद नहीं करता था, कहा था तुम प्रेफर किया था हाव योर मील्स कुक्ड बाय ए बावर्ची, बावर्ची यानी शेफ के द्वारा तुम्हारे लिए फूड तैयार किया जाए, तुम ये पसंद किया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपने सिस्टर के साथ रहता था। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर उस वक्त बड़े एक आर्ग्यूमेंट हमने किया था, यू हैड एक बड़े आर्ग्यूमेंट किया था अबाउट द मून लैंडिंग यानी चंद्रमा पर उतरने के बारे में। यू सी वो कब उतर गया है, 1958 में, और मून पर लैंड किया कब है, 1969। तो उससे पहले मून में लैंड करने के जो सब्जेक्ट पर काफी आर्ग्यूमेंट किया था, यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। आई टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरी ए बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर राइट ऑन साइट सीइंग ट्रिप्स। और चीज और मैं बताऊंगा आपके बारे में, आई टेल यू मोर, और कहता हूँ, यू ऑलवेज कैरी ए बैग विथ योर बुक्स इन इट, तो हमेशा एक बैग लेकर चलता था, उसके अंदर किताब है। एंड इन इट ऑन योर राइट सीइंग साइट सीइंग ट्रिप्स, जो साइट एरिया देखने के लिए, विजिट करने के लिए, अलग अलग जगह देखने के लिए जाने पर भी तुम हमेशा एक बुक बैग बर्गर बुक लेकर चलता था। आ मैं राइट और नॉट, क्या मैं सी या नहीं। बिपिन बाबू स्पॉक काइटली, बिपिन बाबू धीरे कहा, हिज आई स्टिल ऑन द बुक, ये कुछ कहने पर भी वो किताब के ऊपर ही देख रहा था। Which month in 1958 are you talking about? 1958 का कौन से महीने के बारे में तुम कहते हैं? The man said October, October महीने का। No sir, said Bibin Babu. Bibin Babu ने कहा, नहीं सर। I spent Puja in 58 with a friend in Kanpur. 1958 October में जो पूजा है, वो फेस्टिवल में कानपुर में मेरे फ्रेंड के साथ ही किया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रहा है, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड है। वो फिर उधर से बाइक आता है, बट द मैन डिडंट गो, फिर भी आदमी गुड बाय बोलने पर भी गुड डे बोलने पर वो आदमी गया नहीं। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, वो अपना बात बंद किया भी नहीं। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगला, एक दिन शाम को तुम्हारे साथ में चाय पिया था बंगले के बरामदे में बैठ के। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुम तुम्हारे फैमिली के बारे में कहा। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन, तूने कहा तुम्हें कोई बच्चा नहीं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुम्हारे वाइफ भी खत्म हुआ है, मर गए है 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन से, एकमात्र भाई था वो भी मर गया है, डाइड इन से, इनसेन में से मारोकर। विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसी कारण से तुम डिडंट वांट, नहीं चाहा क्या करने के लिए, विजिट करना नहीं चाहा मेंडल हॉस्पिटल इन रांची, रांची का मेंडल हॉस्पिटल तुम विजिट करना इसलिए नहीं चाहा क्योंकि योर लॉन ब्रदर, अकेला जो ब्रदर है वो भी डाइड इनसेन, पागल होकर मर गया था। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव, बिपिन बाबू किताब ले लिया, उसका पैसा देकर वहां से लिविंग द शॉप छोड़ के जा रहा था, तभी आदमी स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव, बिल्कुल डिसबिलीव होकर, उसको विश्वास हो नहीं रहे, ये तो मेरी बात को मान नहीं रहे हैं।
उसको ये बात को याद नहीं है, तो इसके जो व्यवहार से डिसबिलीव होकर वो उसको देखकर ही खड़ा हुआ। ओके सो हियर यू लर्नड वन थिंग, हैड टू इन दिस पोजीशन, हैड टू कोई भी काम करना पड़ता था, आई हैड टू बाय मुझे खरीदना था यानी खरीदना पड़ा, आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू राइट मुझे लिखना पड़ा, he had to write उसको लिखना पड़ा, he had to buy, he had to read, okay how to का past है had to, और हम देखेंगे few, ये few, the few, इसमें एक दो example के साथ हम देखेंगे, आप एग्जाम्पल देखकर इसी सेंटेंस को स्क्रीन पर दिख रहा है सेंटेंस को देखकर आप उसको समझेंगे और ट्राई टू मेक मोर सेंटेंसेस। ओके लेट्स लर्न अबाउट अ फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, अलोंग विद इट वी लर्न लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल, because both have the same meaning, दोनों का meaning एक ही है। Few we use with a singular, with a countables, हम countable के साथ इस्तेमाल करेंगे few, little uncountable, uncountable के जो अनगिनत है यानी गिन नहीं सकते हैं ऐसी चीज के साथ little का इस्तेमाल करते हैं। So in our lesson we saw Bibin had few friends. So here few आया है, ये few नहीं, that few नहीं, तब आपको मैंने बताया था few friends यानी उसका friends से ना के बराबर था। चलिए देखें few और little हम पहले पढ़ेंगे, few little दोनों का एक ही meaning है, few आएगा countable के साथ, little आएगा uncountable के साथ, यानी few and a little denote scarcity or lack and have almost the force of negative, यानी ये बिल्कुल कम है स्कर्स है, ये लाइक है यानी scarcity यानी बहुत कम है बताएंगे, यानी करीबन ना के बराबर हम कहते हैं ना के बराबर यानी नेगेटिव मीनिंग में आते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल, देयर वर few pieces of cake on the plate, प्लेट पर जो केक के पीसे बहुत कम थे यानी ना के बराबर। आपको समझने के लिए मान के चलो आप लोग आप 10 लोग बैठे ही टेबल पर, एक प्लेट पर अगर दो या तीन पीसेस केक है तो क्या है इनफ फॉर द ऑल दिस 10, 10 के लिए पर्याप्त है नहीं, यानी ये तो ना के बराबर है बोलने के लिए है, पर 10 लोगों के लिए जो दो या तीन पीस है ना के बराबर, तो बोलेंगे देयर आर फ्यू पीसेस और देयर आर फ्यू पीसेस यानी बहुत कम है ना के बराबर है। टूरिस्ट कम हियर, टूरिस्ट इधर आते हैं बट फ्यू स्टे ओवर नाइट, यानी टूरिस्ट आते हैं दिन में आएगा दिन में चले जाते हैं, ओवर नाइट स्टे करने वाला ना के बराबर है यानी कभी कोई रुकता है कभी कोई नहीं रुकता यानी ना के बराबर, इस तरह तो ना के बराबर तो दैट वी कैन काउंट, जो हम काउंट कर सकते हैं तब उसके साथ इस्तेमाल करेंगे फ्यू। हम लिटिल देखेंगे, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आएंगे। अब देखो समय अनकाउंटेबल टाइम, देयर वॉज लिटिल टाइम फॉर रिविजन, देखिए परीक्षा आ गया परीक्षा से पहले पहले रिविजन के लिए रिविजन करने के लिए आपको समय नहीं मिला, मान के चलो आपको रिविजन करना था 3 लेसन्स, आपको मात्र मिला है हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में 3 लेसन आप रिविजन कर पाएगा पूरा कर नहीं पाएगा, बोलने के लिए टाइम तो मिला है बट इट वॉज नॉट इनफ, यानी देर इज ए स्कर्सिटी, उधर स्कर्सिटी है कमी है लैक है, तो ये टाइम अनकाउंटेबल है इसलिए हमने लिटिल इस्तेमाल किया, देर वॉज लिटिल टाइम फॉर रिविजन, रिविजन के लिए ना के बराबर ही समय था।
ओके, एक और देखेंगे, देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, बॉटल के अंदर पानी तो है और आप बहुत प्यासे हैं, अगर बॉटल में आधा ग्लास पानी है तो वो तो ना आपके लिए ना के बराबर है, बिकॉज यू आर थर्स्टी, आप थर्स्टी हैं, आप शायद हो सकता है एक एक बॉटल पी सकते हैं, पर आपको मिला है बोतल के अंदर पानी पर बहुत कम है, यानी ना के बराबर है। मान के चलो एक बोतल पानी है, उसके अंदर आधा बोतल पानी है, एक बोतल आधा बोतल है और 10 लोग हैं पीने के लिए, तो बोलने के लिए पानी तो है पर 10 लोगों में ये आधा बोतल पानी है वो ना के बराबर है, तो देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, बॉटल में इसे बहुत कम पानी यानी ना के बराबर। अगले आप देखेंगे एफ यू या एलिटल, इधर भी सही, एफ यू आएगा काउंटेबल के साथ, एलिटल आएगा अनकाउंटेबल के साथ, ये एफ यू का मतलब है बहुत कम, फ्यू और लिटिल ना के बराबर बताने के लिए था, है बहुत कम, इधर एफ यू मतलब है बहुत कम। द स्पीकर कंसिडर्स ए स्मॉल नंबर और ए स्मॉल अमाउंट, ये कम है किसके लिए, बोलने वाले के लिए है, जो स्पीकर बोलने वालों का लगता है ये कम है। एग्जाम्पल, देर वर ए फ्यू पीसेस ऑफ केक ऑन द प्लेट, आप देखेंगे ये प्लेट में देर वर फ्यू पीसेस, बहुत कम पीसेस थे, ये फ्यू बहुत कम। देवर ए फ्यू पीसेस ऑफ केक ऑन द प्लेट, यानी बोलने वाले के लिए, मान के चलो 10 लोग हैं, आप देखते हैं उसके अंदर जो 8 पीसेस है, नहीं तो 10 पीस है, 10 लोगों के लिए 10 पीस पर्याप्त हैं, पर मान के चलो बोलने वाला सोचता है 3 दिन पीस खाना है, तो कितना होना चाहिए था, 10 के लिए 30 पीसेस चाहिए था, तो बोलने वाले के लिए तो बहुत कम है, और 5 है, मान के चलो 5 पीसेस हैं, 10 लोगों के लिए 5 पीस, हो सकते हैं आधा आधा खा सकते हैं, तो बोलने वाले के लिए लगता है अरे ये तो बहुत कम है, यानी देर वर ए फ्यू पीस ऑफ केक ऑन द प्लेट, प्लेट प्लेट पर बहुत कम केक का पीस थे। टूरिस्ट कम हियर बट ए फ्यू स्टे ओवर नाइट, टूरिस्ट इधर आते हैं पर इधर रुकने वाला बहुत कम है, ये फ्यू पहले देखा था, फ्यू स्टे यानी ना के बराबर रुकते थे, बट ये फ्यू कुछ आते हैं उसमें से कुछ लोग रुकते हैं, सारे लोग नहीं है, टूरिस्ट कम हियर बट ए फ्यू स्टे ओवर नाइट। अभी लिटिल में देखेंगे, देर वॉज ए लिटिल टाइम फॉर रिविशन, रिविशन के लिए टाइम देखेंगे बहुत कम समय था, रिविशन के लिए टाइम तो बहुत कम। अगेन देर इज ए लिटिल वाटर इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ा सा पानी था, ए लिटिल वाटर। हम देखेंगे अगर द फ्यू द लिटिल, ए स्मॉल नंबर और ए स्मॉल अमाउंट बट देम आज होल और कंप्लीट, कम तो है पर ये पूरे का पूरा, इसी सेंस में आएगा द फ्यू या लिटिल। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, आई हैव रेड, मैं ज्यादा रीड किया नहीं, फ्यू बुक्स बहुत कम बुक्स किया है, दैट आई हैव, जितना बुक मेरे पास है बहुत कम बुक था पर ये पूरा का पूरा मैंने पढ़ लिया। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स हियर, मुझे इधर बहुत कम फ्रेंड्स हैं, ये फ्यू फ्रेंड्स बट द फ्यू आर ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल, द फ्यू बहुत कम है पर वो पूरा का पूरा, जितना है वो कम होते हुए भी जितना है वो पूरा कैसे है, ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल है, यानी कम तो है पर वो पूरे के पूरा। अगर अनकाउंटेबल में आएंगे, देखो
she has spent the little money she had. She has spent, उसने spent किया है, little money, थोड़ा सा पैसा. She had, जितना था, थोड़ा सा है, वो पूरा का पूरा spent किया. The little water in the bottle is not enough to quench my thirst. The little water in the bottle, बॉटल के अंदर थोड़ा सा पानी है, वो को पूरा का पूरा नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है, टू क्वेंच माय थर्स्ट, मेरा प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त